दिखाया गया कि जिसमें पूरे पाकिस्तान का एक नक्शा उभर के सामने आ रहा है, दुनिया में हम हाईलाइट हो गए। तो मैं खालिद इकराम साहब के हुक्म के मुताबिक बड़ी इख्तसार के साथ आज की बात पेश करूंगा कि बहुत से बादशाह गुजरे हैं, चंगेज खान है, हलाकू खान है, इस तरह के नाम। इसी तरह मुसलमानों के मुसलमान फरमा रवा भी साथ साथ ही चलते, खलीफा चलते रहे। तो कभी वो कहते हैं कि हलाकू खान एक दफा कुछ लोगों को सजा देने के लिए लाइन में दो तीन लाइनें बनाई हुई हैं कि इनका सर कलम आज किया जाएगा, आज सजा का दिन है। हलाकू खान ने वो जल्लाद को वो हुक्म देता था और एक सर कलम होता था जो उसके पाँव में गिरता था, तो फिर वो कह के लगाता था और बड़ा हंसता था बड़ा फख्रिया अंदाज में कि आज देखें मैंने इस इंसान को जो है वो मेरे पास है खुदाई दावा, मेरे पास है सारी ताकतें कि मैं इसको जो है ना वो तय तेक कर दिया, मैंने दुनिया से इसका खात्मा कर दिया। एक एक सर कलम होता था ये साथ साथ डायलॉग भी हलाकू खान की तरफ से, बड़ा वो जालम सफाक किस्म का बादशाह गुजरा, जर्नैल गुजरा, खोपड़ियों के मीनार बनाना भी उनके खानदान में चंगेज खान का तारीख में मिलता है। एक अल्लाह वाला उसी एक लाइन में मौजूद है, एक लाइन खत्म होती है, सर कलम होते जाते हैं तो वो आखिर पे होता जाता है। जिस तरह हम बचपन में टीचर की सजा से डरते डरते दूसरी लाइन में चले जाते थे कि शायद मेरी बारी ना आए, उस्तादे मोहतरम शायद सजा देते देते थक जाएं, तो वो अल्लाह वाला दूसरी लाइन में चला जाता था, आखिर पे चला जाता था। करते 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 सर कलम होते रहे, वो अल्लाह वाला जगह बदलता रहा, तो वो हंसता रहा, कह के लगाता रहा और साथ साथ ये कहता रहा कि ऐ अल्लाह वाले कहाँ छुपके जाएगा, कितनी देर तक मेरे जुल्म और सफाकी से जो है ना वो बच पाएगा। करते करते सब के सर कलम हो गए, सिर्फ वो अल्लाह वाला रहे। तो बड़ा फलशगाब कहका लगाया हलाकू खान ने, घोड़े पे बैठा हुआ था, एक लेमन उसके हाथ में था, लेमन को ऐसे उछालता था, उसको फिर कैच करता था, इस तरह की एक शुगल अशगाल में भी वो अपने आप को उसने मह किया हुआ। कहता बता कहाँ छुप के जाएगा, अब अकेला रह गया, मेरे जुल्म से तुझे कौन बचाएगा। उस अल्लाह वाले ने कहा मेरा खुदा बहुत बड़ा, तू तो कुछ भी नहीं। ये उनका कलमा बोलना था तो उसके हाथ से वो लेमन इनबैलेंस हुआ, वो गिर गया। उस लेमन को कैच करने के लिए वो झुका और पांव रकाब से रकाब में फंसा और घोड़ा भी फिसल गया, घोड़ा भी डर गया, घोड़ा अपनी स्पीड से वहां से दौड़ा और उसका सर पाश पाश होता तारीख में देखा, उसका मगज पत्थरों पे बिखरता चला गया। वो अल्लाह वाला खड़ा है और पूरी हलाकू खान की सपा खड़ी है, तो वो अल्लाह ताला की किबरियाई और उसका बड़ापन उसकी अजमत वहां आशकार थी। ये थी आज बाजवा साहब बेगुनाह।